नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। दोस्तों, आपको पता है कि 16 तारीख को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी है, मगर क्योंकि आपने 9 तारीख की बीएड वाली परीक्षा देखी थी तो कई लोगों को ये उम्मीद थी कि ये वाली परीक्षा टाली जा सकती है। तो दोस्तों, गुहार लगाई गई, पत्र लिखे गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अंत में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जो है PIL दाखिल की गई, मगर दोस्तों अभी तक जो सूचना निकल के आई है उसमें अब उस पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है, वो रिजेक्ट कर दी गई है। और 16 तारीख को आपकी जो तय समय पर परीक्षा है वो होने वाली है। साथ में दोस्तों, इसके अलावा और भी जो परीक्षाएं हैं जो कि कैलेंडर में दे रखी हैं, वो भी परीक्षाएं अब तय समय से होंगी। तो एक एक करके हम देख लेते हैं दोस्तों। पहली परीक्षा जो खंड शिक्षा अधिकारी की है वो तो है दोस्तों 16 अगस्त को। इसके अलावा कंप्यूटर सहायक की परीक्षा है, CA जिसे बोलते हैं, वो है 23 अगस्त को। और RO AR O की बात हम करें अगर 2016 वाली परीक्षा की, तो वो होगी 13/9/2020 को। तो यदि आपकी इन तीनों में से कोई भी परीक्षा है दोस्तों, तो आप अपने रिवीजन वाले मोड में आ जाइए। अब ये मत सोचिए कि परीक्षाएं कैंसिल हो सकती हैं। एडमिट कार्ड RO AR O के से पहले जो है कंप्यूटर असिस्टेंट के जारी किए जाएंगे। और आप भी अपनी इस तैयारी में, क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेंट है तो कई अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि अभी पहले जो परीक्षाएं हुई थी प्रोग्रामर वगैरह की, अगर आपके पास वो वाले पेपर उपलब्ध हो पाएँ तो आप उन्हें एक बार देखिएगा, ठीक है। और साथ में रही बात हमारे RO AR O की 2016 वाले की, तो उसके लिए हम एक अलग से पूरा वीडियो लेकर आएंगे कि आखिरी समय पर किस तरीके से तैयारी की जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए दोस्तों हम सब्जेक्ट वाइज PDF तैयार कर रहे हैं, शायद आपको एक हफ्ते के भीतर प्रदान कर दी जाए। अभी UP स्पेशल की तैयार है, डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको प्राप्त करनी है, ठीक है दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।